इस इलाके में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम को एक साथ मैदान में उतार दिया गया। और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक बच्ची ने उन्हें तिलक लगाकर भी सम्मानित किया। इसी बीच वहां एक बच्ची खड़ी दिखी जिसे उन्होंने दुलार भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजीव कॉलोनी पहुंचे, साहिबाबाद के जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे, जनरल वीके सिंह भी उनके साथ हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री का काफिला रुका तो वहां काफी भीड़ जमा हो गई, जिसे संभालने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। इस दौरान वहां सीएम योगी के समर्थन में नारेबाजी भी होती रही। मुख्यमंत्री ने दलित समुदाय की बस्ती में घर घर जाकर सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए पर्चे भी बांटे। और फिर थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे इलाके में प्रचार करने के लिए वहां से रवाना हो गए। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का यह सिलसिला ग्रेटर नोएडा में जारी रहा, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रचार का जिम्मा संभाला। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उनका स्वागत फूलों से किया गया। बहुत धन्यवाद मोदी जी, योगी जी। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि इस बार चुनाव में पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे और मुझको लगता है कि बीजेपी 50% से ऊपर वोट पाएगी और 10 मार्च को बीजेपी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी के यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। बताया गया कि इस बीजेपी मुख्यालय में हुई ये बैठक देर रात तक चली। इस बैठक में यूपी चुनाव के लिए पांचवें, छठे और सातवें चरण के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में तय नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाने पर इन तीनों चरणों के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। इस बीच पहले से चौथे चरण की जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं चुने गए हैं उनके नाम तय कर घोषित कर दिए जाने की भी तैयारी है। यूपी टेट की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने राज्य में कई जगहों पर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि बिना बताए परीक्षा केंद्र बदल दिए गए और एंट्री के समय से पहले ही उन एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए गए, जिस वजह से उन्हें परीक्षा देने में परेशानी उठानी पड़ी। हंगामे की कुछ तस्वीरें मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां परीक्षा केंद्र के मेन गेट के शीशों को गुस्साए छात्रों ने तोड़ डाला और वो एंट्री के लिए गेट को पूरी ताकत से हिलाने लगे। कुछ ऐसा ही हाल कन्नौज के एक परीक्षा केंद्र में भी देखने को मिला, जहां छात्र यूपी टेट की परीक्षा देने के लिए गेट पर अंदर जाने के लिए काफी देर तक जूझते रहे। हालांकि बाद में उन्हें अधिकारियों के दखल के बाद एंट्री दिलवाई गई। विवादास्पद बयान देने के आरोप में घिरे सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विवादास्पद बयान देने के आरोप में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद विरोधियों ने मोहम्मद मुस्तफा पर हमले और तेज कर दिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आम आदमी पार्टी के मलेर कोटला के कैंडिडेट और तमाम वर्कर्स ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। That man deserves to be arrested. विरोधियों के हमले तेज हुए तो आरोपों में घिरे मोहम्मद मुस्तफा सामने आए और उन्होंने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मैं सोता हुआ भी ये लफ्ज नहीं निकाल सकता कि हिंदुओं को जलसे नहीं होने दूंगा। देश में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच वैज्ञानिकों ने बड़ी जानकारी दी। कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली सरकारी संस्था इंसाकोक ने दावा किया कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड चरण में पहुंच चुका है और कई महानगर इसकी चपेट में हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों नेताओं के नाम शामिल नहीं है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी के अलीगढ़ में गलती से एक सिपाही की बंदूक से गोलियां चल गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के जवाब में बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया। इसके लिए खास तौर पर राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी से आई अपर्णा यादव और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई आदित्य सिंह ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस दौरान उनके साथ प्रियंका मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी नजर आए। मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है, अपराधियों पर बुलडोजर का वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। इस अभियान में सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव पर टिकी रही।
पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाली अपर्णा यादव ने इसे राष्ट्रवाद की लड़ाई बताया। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 40 लाख रुपए की चरस भी बरामद करने का दावा किया। चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम से पहले रिहर्सल हुई जिसमें आतिशबाजी की तैयारियों को भी परखा गया। बीजिंग में 4 फरवरी से इन खेलों की शुरुआत होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर भी लगाई गई है। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही देश के नायकों को भुलाने की कोशिश की गई। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता भीख की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कुछ समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने बताया है कि वो वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को माला चढ़ाने पहुंचे थे, जबकि टीएमसी का यह आरोप है कि वहां नगर निगम का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें अर्जुन सिंह ने जबरन घुसने की कोशिश की, जिस पर बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते सड़क किसी रणभूमि में तब्दील हो गई। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद अर्जुन सिंह को घेर लिया और पत्थरबाजी करने लगे। ऐसे में बीजेपी समर्थकों ने भी दो दो हाथ करने में देर नहीं लगाई। इन हालात में पुलिस आगे आई और हंगामे को शांत करने में जुट गई। हंगामे के दौरान पुलिस वालों की भी कोई सुनने को तैयार नहीं दिखा। वो लोग गुस्से से इस कदर भर
गए कि उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की। बताया गया कि उन लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर फायरिंग करनी पड़ी। मैं भी पहुंच, मुझे भी माला देना था, तो वहां जाने के बाद पुलिस के सामने ही सर सब कुछ हो रहा था, तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए उन पर डंडे भी बरसाए। ऐसे कई हथकंडे अपनाने के बाद टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों को सड़क से हटाया गया और रास्ता खुलवाया गया। वहीं कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बंगाल की झांकी को खारिज किए जाने का मुद्दा उठाया और इस बहाने उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही जयंती के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लगी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति पर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। कि तो स्टैचू कोर्ट चेन आमदर ही प्रेशर है। ऐतो दिन स्टैचू कोर्ट को तो मुने होई नहीं। और आमदर रेड रोड़े स्टैचू देखे जान। एटा पानोबन तो, एटा आर्टिफिशियल नॉय। उंगली उठी तो बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अर्घेंदु घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। I could never imagine this would happen. It's beyond my dreams. होलोग्राफी एक डिजिटल तकनीक है जो कि प्रोजेक्टर की तरह काम करती है। इस तकनीक के जरिए तस्वीर को 3D आकार दिया जाता है, जिसके बाद वो तस्वीर एकदम असली जैसी दिखती है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर इस मूर्ति के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन और रिमोट का बटन दबाकर इंडिया गेट के पास मौजूद छतरी पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125वीं जयंती के मौके पर किया है। ये होलोग्राम प्रतिमा तब तक वहां मौजूद रहेगी जब तक नेताजी की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति बन नहीं जाती। देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। होलोग्राफी एक डिजिटल तकनीक है जो कि प्रोजेक्टर की तरह काम करती है। इस तकनीक के जरिए तस्वीर को 3D आकार दिया जाता है, जिसके बाद वो तस्वीर एकदम असली जैसी दिखती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जानी है, उसके लिए काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को इंडिया गेट के पास बनी छतरी में लगाया जाएगा, जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनाई जाएगी। और नेताजी की मूर्ति में इस्तेमाल होने वाला ये पत्थर तेलंगाना से आएगा। खबर यह है कि सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा रायसीना हिल्स से भी नजर आएगी, जिसका डिजाइन संस्कृति मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। जिस जगह पर नेताजी की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति लगेगी, वहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। उसके बाद से वो जगह खाली थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया, बल्कि पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं में बांटे गए जिन्होंने साल 2019 से 2021 के बीच आपदाओं से जूझ रहे लोगों की मदद की थी। रक्षा की, जिसके लिए इंडिया गेट पर सजे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर उन सभी लोगों को पुरस्कार दिए। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। बताया गया कि ये पुरस्कार हर साल आपदा पीड़ितों की मदद करने वालों को दिए जाएंगे। उत्तराखंड में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के लिए भी बैठक में मंथन होगा। उत्तराखंड और पंजाब के लिए कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस 53 उम्मीदवारों की पहली सूची और पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को जबकि पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बिहार की बेतिया में राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद की कार को लोगों ने घेर लिया, जिसकी वजह थी उनके बेटे पर मारपीट का आरोप। बताया ये गया है कि मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई की, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए और फिर उन लोगों ने मंत्री के बेटे को घेर लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, उसमें दोनों तरफ के लोगों के बीच गाली गलौज और हाथापाई होती दिखाई दी। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसने अपने रुतबे का घमंड दिखाते हुए वहां मौजूद महिलाओं से मारपीट तक की।
दावा किया गया कि इस दौरान उन लोगों ने कई बार फायरिंग भी की, जिससे कई लोगों को चोटें आईं। बंदूक एक बार फायरिंग की है और उसके बाद इसको मार दिए बंदूक के नाल से, तो इसका फट गया। हालांकि हंगामा बढ़ते ही मंत्री के बेटे के साथ आए लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन ये बवाल यही नहीं थमा। उनके वहां से भागने के बाद लोगों की नजर जैसे ही मंत्री की कार पर पड़ी, वो लोग उस पर टूट पड़े, जिसे संभालने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। क्योंकि मंत्री के बेटे की हरकत से गुस्साए लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले लगातार उन्हें सड़क से हटने की अपील करते रहे, लेकिन लोगों ने मंत्री की गाड़ी को वहां से ले जाने नहीं दिया। वो लोग वहीं चक्का जाम कर न्याय की मांग करने लगे। सब लोग आया, छोड़ा दिया, भाग गया सब खेत, उसका गाड़ी है, गाड़ी हम जाने नहीं देंगे। हालांकि इस मामले में मंत्री नारायण प्रसाद ने भी सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि झगड़े की शुरुआत गांव वालों की तरफ से हुई। वहां जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए। इस मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से उसके शीशे भी चकनाचूर हो गए। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैप्टन खुद पटियाला शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब चुनाव से पहले उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल के इस आरोप पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की चोट की दाढ़ी में वाकई ही तिनका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे कई नेताओं ने उन्हें संसद भवन में श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस पर यूपी सरकार ने जेलों में बंद 100 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन ये सभी वो कैदी होंगे जो 16 साल की सजा काट चुके हैं और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोवा में जीत के बाद पार्टी ना छोड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को दिलाई गई शपथ पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने इस शपथ के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। जीवन के उन सार्थक मूल्यों को जिससे राजनीति में शुद्धता आती है उसे महत्व नहीं देते हैं, उनके लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर में लिया गया शपथ सिर्फ दिखावा है। बीजेपी के इस बार पर पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार बनाई है और प्रांतों में सरकारें हैं, तब से MLAs और MPs को खरीदो फरोख्त, डराना धमकाना, हॉर्स ट्रेडिंग, ये हर जगह। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर से देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की फाइल पर साइन करके उसे अप्रूवल नहीं दे रहे हैं और मानवीय आधार पर भुल्लर की रिहाई की फाइल को दिल्ली सरकार को पास कर देना चाहिए। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके का दोषी मानते हुए कोर्ट ने 2002 में फांसी की सजा सुनाई थी। ये धमाका मंजनजीत सिंह बट्टाक पर किया गया था, इसमें वो घायल हो गए थे जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। भुल्लर की पत्नी ने फांसी की सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर उसे उम्र कैद में बदलने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2014 में भुल्लर की फांसी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तब से देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा की याचिका की फाइल दिल्ली सरकार की सहमति के लिए दिल्ली सरकार के पास है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर मतदान 20 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। पता नहीं की कारण है कि केजरीवाल साहब जो दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्होंने दस्तखत होने और जो तई उन्होंने दस्तखत नहीं होंगे वो रिलीज नहीं होंगे और पता नहीं क्यों रोकी बैठे है। जो तो सारे किसी को कोई इतराज नहीं, सारी जुडिशियल ते गवर्नमेंटल जिहड़ियां क्लीयरेंसेस हो गई सेंटर गवर्नमेंट दियाँ तो उन्होंने इस चीज से पेंडिंग रखना ये कोई देश का पंजाब के हित नहीं।
मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि एक बहुत इमोशनल जो मसला है और ये उन्होंने रुकावट नहीं बननी चाहिए। गणतंत्र दिवस के बाद होने वाले बीटिंग दी रिट्रीट कार्यक्रम में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन गूंजेंगी, जिसे अबाइट बाय मी गाने की धुन की जगह इस साल के समारोह में बजाया जाएगा। इस साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग दी रिट्रीट समारोह में 1950 के बाद पहली बार अबाइट बाय मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। ये कदम सेना में अखंडता में एकता की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर उठाया गया है और ये फैसला लिया गया है कि इस बार ए मेरे वतन के लोगों की धुन को कार्यक्रम में बजाया जाएगा, जिसे मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने सुरों से संवारा है। और 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बलिदानियों की याद में कवि प्रदीप ने इसे लिखा था। इस साल सेना की टुकड़ियों के इस सुरीले कार्यक्रम में कुल 26 धुनें बजाई जाएंगी जो सिर्फ भारत में बनी है। और इस साल बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा गाने की धुन के साथ होगा, जिसमें पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन आजादी के 75 साल को समर्पित एक शो भी करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बंद किए गए स्कूल आज से फिर खोल दिए गए। कोरोना की वजह से एक महीने से स्कूल को बंद कर दिया गया था। बीएमसी ने कोरोना के केस कम होते देख स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। बीएमसी ने अपने दिशा निर्देश में यह भी साफ किया है कि जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन ने बदमाशों के अवैध ठिकानों और काली कमाई के अड्डों को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। कुछ रोज पहले शहर के एक इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने हफ्ता वसूली के लिए भरे बाजार में एक दुकानदार पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने शहर के बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसी कड़ी में प्रशासन ने शहर के दीनदयाल नगर इलाके में मौजूद दीपू टांक नाम के एक बदमाश के मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान गिराने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई। इसके बाद उस मशीन की मदद से पहले मकान के निचले हिस्से को तोड़ा गया और फिर ऊपरी मंजिल को ढहा दिया गया। चार ऐसे घरों को, ऐसे भवनों को तोड़ा गया है जिनका संबंध इस प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति से है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। पहाड़ों पर एक बार फिर शुरू हुई जोरदार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में तो इतनी बर्फ गिरी कि हर तरफ सफेद चादर ही बिछ गई। जिनमें हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से शामिल थे, राजधानी शिमला की तस्वीर तो ऐसी नजर आई मानो किसी ने पूरे शहर को सफेद रंग से रंग दिया हो। पहाड़ों की रानी शिमला में लगातार जो है बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ पर बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर इसने ऐसा कब्जा जमाया कि उन पर से बर्फ हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी और पैदल चलने वालों की तो शामत ही आ गई। बताया गया कि रात भर बर्फ गिरने के बाद ऐसे हालात बने। मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ और मैं अपनी बालकनी के बाहर देखो सब सफेद हो रखा है। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल के एक और टूरिस्ट स्पॉट यानी मनाली से भी सामने आई। वहां तो शहर की तरफ जाने वाले रास्तों पर इतनी फिसलन हो गई कि लोगों का वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया और कुछ जगहों पर तो इसने गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए। घर हो, बाजार हो या फिर पेड़ पौधे, सबको इसने अपने आगोश में ले लिया, जिससे वहां लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। और ये परेशानियां सिर्फ शिमला या मनाली के लोगों को नहीं हुई बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का यही हाल नजर आया। सिरमौर में तो बर्फ ने मानो लोगों की जिंदगी पर कर्फ्यू लगा दिया हो। जहां लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना तक मुश्किल हो गया, वहां इसके लिए लोग बर्फ को पिघलाते दिखाई दिए। दूसरी सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर ऐसा लगा मानो किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो, वो पूरी तरह बर्फ से ढक गई। सड़कों पर 3 फीट तक बर्फ जमा दिखाई दी। सड़कें हैं वो बंद पड़ी है, बिजली का कोई प्रावधान नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो वहीं पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में तो बर्फ की वजह से तापमान ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई। डोडा में रुक रुक कर होती बारिश और सर्दीली हवाओं ने परेशानियों में इजाफा कर दिया। कई इलाके तो बर्फ से पूरी तरह पटे नजर आए, जहां जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी 25 करोड़ नागरिकों को बधाई दी। योगी ने उत्तर प्रदेश को असीम संभावनाओं का प्रदेश बताते हुए कहा कि 73 वर्षों की इस केस सफर में उत्तर प्रदेश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का काम तेजी से किया गया। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में आगरा और अवध के रूप में इसकी पहचान थी।
मैं पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहां पर यह देश का हृदय स्थल है, देश की आस्था है, देश की प्रचुर जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, युवा ऊर्जा के अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। और इन्हीं सब के बल पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर दो स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो 2017 के पहले 12वें स्थान पर था। राजस्थान के अलवर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बुरी तरह से पीट दिया। इस दौरान हमलावरों ने उसकी पिटाई का वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया। इस वीडियो में एक लड़के को तीन लोग डंडों से पीटते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान पिट रहा लड़का हमलावरों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर हमला करते रहे। कोई पैरों पर वार करता नजर आया तो कोई उसके चेहरे पर लात मारता दिखा। इतना ही नहीं, वहां से सामने आए वीडियो में मारपीट कर रहे दो लोगों के पास पिस्तौल भी दिखाई दी, जिससे वो लड़के के पेट पर वार करता नजर आया। इसके साथ ही दबंगों ने नारेबाजी भी की। बोल 36 बिरादरी जिंदाबाद, बोल। मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने हमलावरों पर शिकंजा कसने के लिए एक टीम का गठन किया और मामले की जांच में जुट गई। झारखंड के चाईबासा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें चार लोगों की गिरफ्तारी से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब पुलिस ने अलग कोल्हान देश की मांग करने वाले और फर्जी तरीके से भर्ती करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस के इस कदम से अलग कोल्हान देश की मांग करने वाले लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गिरफ्तारी से गुस्साए करीब 200 लोगों ने मुफस्सिल थाने को घेर लिया और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब अधिकारियों के समझाने पर वो लोग भड़क गए और फिर उन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया तो प्रदर्शन कर रहे लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल नहीं थमा। चार लोगों की रिहाई की मांग पर कई घंटों तक हाईवे पर हंगामा होता रहा। वहीं इस पूरे बवाल में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस से मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप लूटने के इरादे से आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में तीन बदमाश और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अस्पताल के बोर्ड पर कालिक पोत दी। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल का बोर्ड मराठी भाषा में लगाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जारी बर्फबारी की वजह से बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये पता नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा बर्फ में जाके। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को केप टाउन में खेले गए आखिरी वनडे में 4 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्वांटन डिकॉक के शतक की मदद से 287 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया 283 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने इसी के साथ भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की तरफ से शिखर धवन ने 61, विराट कोहली ने 65 और दीपक चाहर ने 54 रन की पारियां खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की ही युवा शटलर मालविका बंसोड़ को लगातार गेमों में 21-13, 21-16 से हरा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा से रेप के आरोप पर बवाल खड़ा हो गया। आरोप यह है कि उसी स्कूल के एक टीचर ने उस छात्रा को परीक्षा देने के नाम पर अपने पास बुलाया और फिर उसका रेप किया, जिसका पता चलते ही छात्रा के परिवार वाले इलाके के कुछ लोगों के साथ स्कूल पहुंच गए और आरोपी टीचर को घेर लिया। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई और आरोपी को वहां से ले जाने लगी, लेकिन गुस्साए लोगों ने टीचर को इतना मारा कि पुलिस को उसे अपनी गाड़ी में बिठाना तक मुश्किल हो गया। हंगामा कर रहे लोगों की मांग है कि आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मास्टर को यहां से डिसमिस करके और उसे कानूनी से कानूनी सजा दिया जाए। पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिला हम आए, उसको हमने थाना पर भेज दिया।
आवेदन ले रहे हैं। छात्रा से छेड़खानी के आरोपी टीचर पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसे जब पुलिस वहां से ले जाने लगी तो वो उसे पीटने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। कर्नाटक के मंगलुरु से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद समंदर किनारे घूमने फिरने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और तीन दिन पहले यानी कि 21 जनवरी शुक्रवार को राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया था। और सरकार के इस फैसले के एक दिन बाद यानी 23 जनवरी रविवार को समंदर किनारे मौज मस्ती और घूमने फिरने वालों का तांता लग गया। कोई समंदर की लहरों के बीच मस्ती करता रहा तो कोई अपने परिवार के साथ बीच पर घूमने में मशगूल रहा। छोटे बच्चों की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई हो। We came to beach with family and we enjoyed. मतलब ये कि समंदर किनारे दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई मेला लगा हो, लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी भी आदमी ने मास्क पहनने की जहमत नहीं उठाई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीच पर लोगों को बिना मास्क के घूमते देख ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। ममता बनर्जी ने एनसीसी की तर्ज पर बंगाल के स्कूलों में जय हिंद वाहिनी के गठन का ऐलान किया। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नेताजी की याद में एनसीसी की तर्ज पर बंगाल के स्कूलों में जय हिंद वाहिनी के गठन का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने 230 किसानों की खुदकुशी के आंकड़े पेश किए और इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। धरमलाल कौशिक ने बताया कि किसानों की आत्महत्या के ये आंकड़े 1 जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक के हैं, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। बड़े बड़े दुहाई देने वाली सरकार की पोल खुल गई है कि लगातार यहाँ पर किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रही है। लेकिन प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इन आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिए। कहाँ से माननीय नेताजी को ये किसानों की आत्महत्याओं की सूचना मिलती है? मैं तो उनके जो सूचना के स्रोत है उसी पे मुझे तरस आता है। यूपी के अमेठी में टीईटी परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में एक छात्र को पकड़ लिया गया। आरोप है कि परीक्षा पास करने के लिए वो कान में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मदद ले रहा था। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इनमें मायावती, आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। गोवा में जीत के बाद पार्टी ना छोड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को दिलाई गई शपथ पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने इस शपथ के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। जीवन के उन सार्थक मूल्यों को जिससे राजनीति में शुद्धता आती है उसे महत्व नहीं देते हैं, उनके लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर में लिया गया शपथ सिर्फ दिखावा है। बीजेपी के इस बार पर पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार बनाई है और प्रांतों में सरकारें हैं, तब से MLAs और MPs को खरीदो फरोख्त, डराना, धमकाना, हॉर्स ट्रेडिंग, ये हर जगह। खबर है कि अरुणाचल प्रदेश लुंगता जोर इलाके से पिछले दिनों लापता हुआ 17 साल का लड़का चीन में मिल गया। ये जानकारी तेजपुर के एक सेना के अधिकारी ने दी और बताया कि चीन की सेना उसे भारत को सौंपने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और